हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। आज ये वीडियोस उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं और आजकल उनके पेरेंट्स घरों में ही टीच कर रहे हैं उन बच्चों को। एक रिसर्च कहती है कि 2 to 7 ईयर तक जो बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 70 to 80% तक हो जाता है। लेकिन रिसर्चर ये भी कहते हैं कि इस एज में क्रियोसिटी एंड कैपेसिटी बच्चों की लिमिटलेस होती है। अगर इस एज में उनको नई नई चीजें सिखाई जाए तो आगे चलकर उनके जो सीखने की क्षमता होगी वो कमाल की होगी। तो आज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी प्ले स्कूल्स में भेज रहे हैं और भेजने की सोच रहे हैं, तो जो प्ले स्कूल्स में जो शुरुआत के दिनों में सिखाया जाता है वो सिर्फ कलर्स एंड शेप्स के थ्रू ही सिखाया जाता है। तो अपने घरों में भी आप अपने बच्चों को शेप्स एंड कलर्स के थ्रू ही टीच करें। जब बच्चों का दुनिया से एक्सपोजर मिलता है तो वो दो ही चीजों से इस दुनिया को डिस्टिंक्ट कर पाते हैं। फर्स्ट इज शेप एंड सेकेंड इज कलर। जब वो देखते हैं कि पेड़ हमारे आसपास वो ग्रीन है, आसमान नीला है, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं वो ग्रीन है, ब्लू है, तो इस तरीके से वो इनिशियल डेज में अपने आसपास की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं और उनको एक क्लासिफाई करना शुरू करते हैं कि इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, इन चीजों का शेप डिफरेंट डिफरेंट है। शेप आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्किल को इम्प्रूव करवाता है। शेप जो होता है वो बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करवाता है, आईक्यू को इम्प्रूव करवाता है और हर चीज को एक शेप के थ्रू रिलेट करना सिखाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्ट अस।